दोस्तों, क्या आपको भी घुटने में दर्द है और आप हमारे द्वारा बताए गए एक्सरसाइज को कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज से आप अपने घुटने के बीच में जो गैप की कमी हो गई है उसको तो आप बढ़ा लेंगे, आपके मसल्स जो हैं उसको आप मजबूत कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी एज 45 और 55 प्लस हो गया है तो घुटने के बीच में जो सिनोवियल फ्लूइड होता है, जिसे हम लोग आम भाषा में ग्रीस कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए हमें अपने खाने में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, जिसके वजह से वह बढ़ सकेगा या फिर जो डीजेनरेट हो रहा है वह रुक सकेगा, ताकि हम अपने घुटने को हेल्दी बना सकें और हेल्दी रख सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में मैं तीन ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको आप डेली बेसिस पर खाना स्टार्ट कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके घुटने में जो ग्रीस की कमी हो गई थी या कमी हो रही है या सूख चुकी है, उसको भी आप रीजेनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इन तीनों में से किसी एक या किसी दो को भी अप्लाई कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पर करें तो मैं समझता हूँ 15 दिन या 20 दिन होते होते आपके घुटने में जो ग्रीस की कमी हो रही थी वह मेंटेन हो सकेगा, वह बढ़ सकेगा। दोस्तों, नी कार्टिलेज को रीजेनरेट करने के लिए जो सबसे पहला फूड है या सप्लीमेंट है वह है गोंद कटीरा। आपने नाम सुन रखा होगा, अगर नहीं सुने हैं तो यह गोंद कटीरा एक ऐसा गोंद है, गोंद तो आप जानते होंगे, किसी भी पौधे को छाल को अगर हम थोड़ा सा छांट देते हैं वहां पर से एक लिक्विड निकलने लगता है, जो 24 घंटा या 48 घंटा में एक गम के रूप में उसे हम सुखा लेते हैं तो वह गोंद कहलाता है। तो गोंद कटीरा यानी कि कटीरा पेड़ से निकला हुआ जो गोंद है उसको खा करके हम अपने नी के कार्टिलेज को रीजेनरेट कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि गोंद कटीरा का इस्तेमाल ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है, जो कि हमारे नी ज्वाइंट के लिए ही नहीं ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाया जाता है, जो हमारी ज्वाइंट में स्वेलिंग हो जाती है या फिर इंटरनल जो स्वेलिंग होती है उसको कम करने में और कार्टिलेज को रीजेनरेट करने में मदद करता है। दोस्तों, गोंद कटीरा हमारे कार्टिलेज को रीजेनरेट करने के लिए मदद तो करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वहाँ पर जो टिश्यू होते हैं उसको यानी कि मिनिस्कस को भी रिपेयर करने का काम करता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने के वजह से हमारे दर्द में भी काफ़ी राहत देता है, बहुत कम करता है हमारे दर्द को और इंटरनल जो स्वेलिंग हो जाता है उसको कम करने में मदद करता है। एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के वजह से जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको वह बाहर निकालने में मदद करता है। तो आप गोंद कटीरा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नी कार्टिलेज को रीजेनरेट करने के लिए, यह आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। गोंद कटीरा को खाने की विधि है, एक टुकड़ा गोंद कटीरा ले लें जो लगभग 10 ग्राम के आसपास होता है, वह आप रात भर फूलने के लिए दे दें और उसे सुबह पर चाहे तो किसी तरह का शरबत बना के पी लेते हैं या फिर स्मूदी बना के पी लेते हैं या फिर किसी भी तरह का लिक्विड में उसे घोल करके आप पी लेते हैं, विदाउट नमक, विदाउट चीनी, विदाउट एनी इंग्रेडिएंट, तो आप अपने घुटने के कार्टिलेज को रीजेनरेट करने में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, इसमें जो दूसरा सप्लीमेंट है वह है हमारा करक्यूमिन, और करक्यूमिन का जो मेन सोर्स है वह है हमारा हल्दी। हल्दी का उपयोग अगर हम डेली बेसिस पे करते हैं, अभी तक तो मैंने जितने बार बताया है वह आपको बताया है कि आधा चम्मच से भी कम यूज करना है, लेकिन बहुत सारे रिसर्च में यह पाया गया है कि आप अगर 10 ग्राम तक हल्दी भी अगर डेली बेसिस पर खाते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और खास करके आपके घुटने में अगर दर्द हो रही है और आप चाह रहे हैं कि कार्टिलेज जो डीजेनरेट हो रहा था उसे रोकने के लिए और उसे रीजेनरेट करने के लिए बहुत मदद करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ यह पेन रिलीफ है, आपके दर्द को भी बहुत कम करता है। तो आप डेली बेसिस पर इसका उपयोग कर सकते हैं। करक्यूमिन की वजह से हमारे बोन पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, जिसके वजह से हमारे बोन भी मजबूत होते हैं और जोड़ों में खास करके सपोर्ट मिलता है, मदद मिलता है, ताकि वहाँ पर कमजोरी नहीं हो सके। तो मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डेली बेसिस पर हल्दी का उपयोग करते हैं तो उसे भी खा करके आप अपने घुटने के प्रॉब्लम को या घुटने के डीजेनरेट हो रहे कार्टिलेज को रोक सकते हैं और उसे रीजेनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज भाग दौड़ के जिंदगी में हम अपने कामों पर ज्यादा और खाने पर कम ध्यान दे पाते हैं, जिसके वजह से कमजोरी, थकान या थकावट महसूस होने लगता है। तो बढ़ते उम्र में हम अपने खाने पर पौष्टिक आहार का ध्यान तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ मैं आज आपको एक ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करना चाहता हूँ जो कम्प्लीटली हर्बल है, जो कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है और कम्प्लीटली फूड सप्लीमेंट है।
इसमें 20 से भी ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स मिले हुए हैं जो आपके हर एक दिन के विटामिन्स और मिनरल्स को पूरा करते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है फाइटका बीटा 365। फाइटका बीटा 365 में 20 से भी ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स हैं, साथ ही साथ अश्वगंधा, जिंसिंग, ग्रेप सीड, बायोटीन, प्रोबायोटिक ब्लेंड भी शामिल है। बीटा 365 मार्केट में मिलने वाली सभी प्रोडक्ट से अलग है क्योंकि इसमें 3-in-1 मल्टी विटामिन है। यह हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, बॉडी के सभी फंक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाजार में किसी भी ब्रांड से काफी किफायती भी है। इसके अश्वगंधा हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हार्मोनों को यह बैलेंस रखता है और इम्यूनो सिस्टम को मजबूत रखता है। ग्रेप सीड्स हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है और बायोटिन स्किन केयर और नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें जिंसिंग से हमारे स्ट्रेस कम होता है, साथ ही साथ यह एनर्जी को बूस्ट भी करता है। प्रोबायोटिक ब्लेंड हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हमारे डेली रूटीन में अपने खाने के साथ साथ एक टैबलेट बीटा 365 को भी अगर ले लेते हैं तो हमारे शरीर में हो रहे विटामिन्स और मिनरल्स की पूर्ति होती ही है, साथ ही साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। इसे खाने के लिए डेली बेसिस पर आप खाना के साथ भी खा सकते हैं या खाने के बाद भी खा सकते हैं। डेली एक टैबलेट खाना होता है। इसे कोई भी व्यक्ति खा सकता है जिसका उम्र 20 साल से ऊपर है। इसे खरीदने के लिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन इनके वेबसाइट www.fightka.com पर जाकर के आप अगर परचेज करते हैं तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे रखा है ताकि आप भी अगर इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसे परचेज करके आप भी अपने शरीर में हो रहे विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो तीसरा सप्लीमेंट है वह है कॉड लिवर ऑयल। आपने नाम सुन रखा होगा, कॉड एक तरह का मछली होता है जो समुद्री मछली होता है और खास करके डीप सी में यानी समुद्र के बहुत गहराइयों में पाया जाने वाला एक मछली होता है जिसके लीवर का तेल हमें बाजार में आराम से मिल जाता है। तो कॉड लीवर ऑयल को भी हम खा करके अपने नी के कार्टिलेज को रीजेनरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कॉड लीवर ऑयल में सबसे ज्यादा जो मिलता है वह होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे कार्टिलेज को रीजेनरेट करने के लिए बहुत मददगार होता है। कई एक वीडियो में मैंने बता रखा है कि चाहे तो आप कॉड लीवर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सालमन ओमेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बहुत तरह का अलग अलग सप्लीमेंट का भी मैंने बता रखा है। तो उसमें एक कॉड लीवर ऑयल भी है जिसको आप उपयोग करके अपने कार्टिलेज को रीजेनरेट कर सकते हैं। इसमें विटामिन डी भी होता है और विटामिन ए होता है जो हमारे ज्वाइंट के लिए बहुत ही मजबूत होता है, क्योंकि ज्वाइंट में हमारे फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक तो वहां पर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट की जरूरत होती है जो हमारे कॉड लीवर ऑयल में भी है, और ज्वाइंट के स्मूथनेस को बरकरार रखने के लिए कॉड लीवर ऑयल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कॉड लीवर ऑयल हमारे कार्टिलेज को और सिनोवियल फ्लूइड को रीजनरेट करने में बहुत मदद करता है। कॉड लीवर ऑयल हमारे ज्वाइंट हेल्थ को भी बहुत इंप्रूव करता है। हमारे ज्वाइंट में जो फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी की कमी हो जाती है उसको हम मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। ओवरऑल कहें तो हमारे हर एक ज्वाइंट में जो लुब्रिकेंट होता है उसको मेंटेन रखने या डीजनरेट हो रहा था उसे रोकने और उसे रीजनरेट करने में मदद करता है। तो मैं तो जरूर कहूंगा कि आप भी अगर अपने घुटने के कार्टिलेज को रीजनरेट करना चाहते हैं या फिर दर्द को कम करना चाहते हैं, स्वेलिंग को कम करना चाहते हैं, तो कॉड लीवर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इन सारे सप्लीमेंट को खा करके हम अपने कार्टिलेज को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन हमारे गैप को बढ़ाने के लिए और हमारे जो मसल्स हैं उसको मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं कि जो दवा आसानी से मिल जाती है या जो सप्लीमेंट आसानी से मिल जाती है उसे हम खरीद करके खाना पसंद करते हैं, मेहनत करना पसंद नहीं करते। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज नहीं करें और इन सारे सप्लीमेंट्स में किसी को खा करके अपने ज्वाइंट को मजबूत कर लें तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे ज्वाइंट के बीच में जो गैप की कमी हो जाती है ना, उसके बढ़ाए बिना हमारे सप्लीमेंट कुछ काम नहीं कर पाता है। अगर काम करता भी है तो महीना, दो महीना, तीन महीना के अंदर वह फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे एक्सरसाइज के साथ साथ इसका उपयोग करें ताकि आजीवन आपके घुटने में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। पिछले साल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मेरा भी एक मोटो है कि कम से कम 1,00,000 लोगों का घुटने के ऑपरेशन से मैं बचा सकूं। और मैं समझता हूं अपने मोटो में मैं अपने उद्देश्य में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका हूं। अब यह मोटो मेरा बढ़ करके 1,00,000 लोगों का हो गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है इस चैनल को,
उसके वजह से मैं देख रहा हूँ कि हजारों लोग तो अपने घुटने के दर्द को ठीक कर लिए, ऑपरेशन से बच गए। विश्वास नहीं कीजिएगा, ऐसे ऐसे लोग जिनका एज 68 ईयर्स, 72 ईयर्स, 70 ईयर्स, 64 ईयर्स, मोर देन 60 ईयर्स वाले भी, जिनका घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस का आज से 4-5 साल पहले ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया था, वह भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और 100% ठीक हो रहे हैं। वह भी सप्लीमेंट का यूज कर रहे हैं ताकि उनके घुटने में जो ग्रीस की कमी हो गई थी उसको वह पूरा कर सके। तो यह मोटो जो मेरा है ना, 10 लाख लोगों को उनके घुटने के ऑपरेशन से बचा के रखूं या बचा लूं, इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं। आपको भी अगर घुटने का प्रॉब्लम है तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, मेरे चैनल को फॉलो करना स्टार्ट करें, आप देखिएगा कि आप अपने घुटने में काफी इम्प्रूवमेंट पाएंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो सिर्फ सप्लीमेंट खाने से नहीं होगा, आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तभी सप्लीमेंट का 100% बेनिफिट आप उठा सकेंगे। दोस्तों, आप भी अगर कंसल्टेंसी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रहा हूं, आप सिर्फ अपना एक्सरे व्हाट्सएप कर दें और कंसल्टेंसी के लिए 1x1 बात करने के लिए, आपके एक्सरे के अनुसार आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करने के लिए एक छोटी फी होती है, उसको पे करना होता है। पे करने के बाद आप हमसे बात कर सकते हैं, आप अपना सॉल्यूशन निकलवा सकते हैं। तो मैं तो जरूर कहूंगा कि एक्सरसाइज करने के साथ साथ आप इन सारे सप्लीमेंट्स में एक या दो को ले करके आप अपने घुटने के कार्टिलेज को रीजनरेट भी कर लें और गैप को ही बढ़ा लें और अपने थाई मसल्स को ही मजबूत कर लें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।